Welcome all to Creative Tanushree channel. Today we will see another example of assignment problems and how to solve it using LibreOffice Calci Solver. आज हम एक और example देखेंगे assignment problems का और किस तरह से LibreOffice Solver के द्वारा हम उसको solve कर सकते हैं. Now, the scenario is, in our scenario, we need to lay 10 cables from 3 drums. The cable data and the drum data is specified in table. हमें क्या करना है? हमें 10 cables को ले करना है और 3 drum हमारे पास है. उसमें क्या होता है कि 10 cables का length specify किया हुआ है और 3 drum से लेना है. कैसे लेना है वो हम एक्सेल से डिफाइन करेंगे कि एक्सेल आप बताइए कि किस तरह से लेना है ताकि हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें. वी नीड टू कट द केबल सच दैट द वेस्टेज इज मिनिमम. वेस्टेज क्यों मिनिमम करना है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कि 4 मीटर केबल है या 10 मीटर केबल है और हमारे पास केबल 12 मीटर है तो वो तो केबल वेस्टेज हो गया. So in that case we have to cut in such a way और allocate the drums in such a way. हमें drums इस तरह से allocate करना है ताकि जो wastage हो वो सबसे कम हो. और तो फिर हम आगे देखते हैं. इसमें हमें एक table दिया गया है जहाँ पे हमें दिया गया है there are 10 cables, 10 cable है, cable 1 से cable 10 तक और लेंथ स्पेसिफाई किया गया है. ठीक है, सेम वे ड्रम्स 1 से लेके 3 तक दिया है और एक एक ड्रम का केबल का लेंथ स्पेसिफाई किया है. तो हम अभी केबल नेस्टिंग देखेंगे कि किस तरह से इसको किया जाता है. हमारा टारगेट है टू कट ऑल केबल्स, सभी केबल्स को हम यूज़ करेंगे और मिनिमम वेस्टेज हो इस तरह से. सो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको कॉपी करते हैं और एक एक्सेल शीट में नहीं, पहले इसको करते हैं ड्रम को कॉपी. वी फर्स्ट कॉपी द ड्रम लेंथ. सो दिस इज ड्रम एंड देन वी कॉपी, हम कॉपी करेंगे केबल लेंथ का टेबल को. हम केबल लेंथ का टेबल को कॉपी करते हैं. अभी वी विल डू सम फॉर्मेटिंग फॉर विजुअलाइजेशन. ठीक है, नाउ वी हैव वन दिस टेबल एंड वी हैव टू एलोकेट ड्रम्स. सो व्हाट विल डू इज हम इसको कॉपी करेंगे. नाउ व्हाट इज देयर इज दीज वैल्यूज, ये जो वैल्यूज़ है इसको हम बोलेंगे एक्सेल सॉल्वर से कि भाई आप ये वैल्यूज़ निकाल के दो करके कि कौन सा ड्रम लेना है और कौन सा ड्रम से कितना लेना है. और सॉरी एक और छोड़ गया. हो गया. सो ये जो वैल्यूज होंगे ये शीट से हम जनरेट करेंगे, कैलसी से जनरेट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू बेस्ट फिट द रिक्वायरमेंट. सो हमारा कंडीशंस इज फर्स्ट कंडीशन कि ये जो केबल लेंथ है सभी केबल्स को सिलेक्ट होने चाहिए तो 1 होने चाहिए और ये जो केबल है ये इस लेंथ में ही काटना है. तो कंडीशन इज दिस, दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये सभी इक्वल्स टू है और हमारा केबल लेंथ कैसा है, इक्वल्स टू सम ऑल दिस इनटू केबल लेंथ. ये जो भी येलो कलर सेल्स में जो भी डिफाइन करना है ये बाइनरी में होंगे, या तो 0 या 1. ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखते थे. अगर मैं ड्रम 1 सेलेक्ट करता हूँ केबल 3 के लिए तो 9 यहाँ पे आने चाहिए. देखते
करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। तो हमने फॉर्मूला करेक्टली एंटर किया। ड्रम टू के लिए केबल फाइव सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वन आने तो या नहीं था, तो कंडीशन इज करेक्ट। तो ये दिस इज वन कंडीशन, विल हाईलाइटेड इन कलर। अभी व्हाट इज द ड्रम यूटिलाइज, सो यहाँ पे भी आने चाहिए। तो इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दिस कॉमा, माय मिस्टेक, हाँ नहीं, इक्वल्स टू, मेरा गलती है, माय मिस्टेक, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस इनटू दिस। ये होने, जैसे मान लीजिए केबल वन के लिए भी ड्रम वन सिलेक्ट हुआ है और केबल सिक्स के लिए भी ड्रम वन सिलेक्ट हुआ है, तो कितने आते हैं, करेक्ट 32। तो फॉर्मूला इज करेक्ट। यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, केबल फोर के लिए भी सिलेक्ट हुआ है और केबल सिक्स के लिए भी सिलेक्ट हुआ है, तो फॉर्मूला गलत है। हाँ, तो वी हैव डन ए मिस्टेक। What we have to do is this one, B में block करना है, correct, देख लेते हैं, correct, और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, cable 2 में 1 है और cable 9 में 1 है, सिलेक्ट हुआ है, तो 11 करेक्ट। तो नाउ फॉर्मूला इज करेक्ट, सो एवरीथिंग इज करेक्ट। नाउ दिस इज, सो व्हाट इज अवेलेबल, अवेलेबल क्वांटिटी इज, अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी इज ड्रम 1 इज 59, ड्रम 2 इज also 59 and drum 3 67. So what is the difference, equals to available minus what is been allotted is the difference, correct. So this difference should be greater than equals to 0. Why? Because you cannot have a cable, हमारे पास हम cable negative में तो नहीं दे सकते, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो दिस इज वन कंडीशन। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, मान लीजिए फोर केबल वन और नाइन केबल वन, तो 10 ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। यहाँ पे दे देते हैं 9 केबल्स इसके और 8 केबल्स इसके, टोटल 1742। तो ये भी हो रहा है, देखा गलती किया, वी हैव डन ए मिस्टेक, सो दिस इज व्हाट इट इज। सो नाउ वी विल हाईलाइट इट इन कलर, सो 0, एवरीथिंग इज डन। सो दिस इज डन। नाउ व्हाट इज आवर टारगेट, टारगेट इज मिनिमम, मिनिमम डिफरेंस, करेक्ट ना। सो सम ऑफ ऑल द डिफरेंस शुड बी मिनिमम, सो दिस ऑल्सो आई विल गिव कलर, मेक इट राइट, ओके, सो एवरीथिंग इज डन। तो सब कुछ हो गया है, ये ग्रीन वाले कंडीशन से ठीक है, ये येलो वाले हम येलो जो सेल्स है यहाँ पे बाइनरी में 0 या 1 होने चाहिए ताकि सभी आंसर्स करेक्टली हो, और ये जो टारगेट वैल्यू है ये तो मिनिमम होने चाहिए। सो नाउ हाउ टू डू इट इज
वी विल गो टू टूल्स, हम टूल्स पे जाएंगे और सॉल्वर यूज़ करेंगे। सॉल्वर हमें टारगेट वैल्यू कौन से हैं, हमारे टारगेट वैल्यू ये है मिनिमम, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और बताएंगे मिनिमम बाई चेंजिंग दीज ड्रम्स, करेक्ट। सो हम दीज ड्रम्स को करेंगे एंड कंडीशन इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे, इक्वल्स टू वाई बिकॉज सभी सिलेक्ट होने चाहिए। सेकेंड, ये जो डिफरेंस है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। और थर्ड है, ये जो सिलेक्टेड एरिया है ये बाइनरी में होने चाहिए, बाइनरी, ओके। नाउ वी विल गो सिलेक्ट लीनियर सॉल्वर एंड विल सॉल्व इट। तो नाउ सॉल्व, सो रिजल्ट इज 36। सो व्हाट वी गॉट इज, देखिए सभी केबल सिलेक्ट हुए हैं, देयर इज नथिंग विच हैज बीन लेफ्ट, ठीक है। नाउ इट हैज बीन यूटिलाइज इन सच ए वे दैट इट इज मिनिमम। सो दिस इज हाउ द सॉल्वर वर्क्स। थैंक्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज गिव योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बिलो एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व इट आउट। आपको अगर ऐसा कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है तो अपना प्रॉब्लम्स नीचे लिख के दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि ये आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए। आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इफ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स ऑल, गुड डे।